अभी तक हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट को देख रहे थे। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोगों ने पहला प्रोसेस अभी अडॉप्ट किया था और वो प्रोसेस था लाइम सोडा मेथड। लाइम सोडा मेथड जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस में से एक है। लाइम सोडा मेथड की सहायता से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलते हैं। अब ये लाइम सोडा जो मेथड है इसमें चाहे वो आपका टेम्पोररी हार्डनेस हो या फिर परमानेंट हार्डनेस हो या कोई और भी सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो वाटर में, वो सारे के सारे जो होते हैं इनसॉल्वेबल प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कहने का ये मतलब है, अगर हम कुछ बातें और इसमें जानने की कोशिश करें तो पहले देख लीजिए, चैप्टर नेम इज अ वाटर एनालिसिस, चैप्टर नेम इज अ वाटर एनालिसिस एंड देन टॉपिक इज लाइम सोडा प्रोसेस। सबसे खास बात क्या है, अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो फर्स्ट पहली खास बात क्या है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर फीड वाटर। तो सबसे पहली बात यह है कि एक ये जो है इंपॉर्टेंट मेथड है किस तरह के वाटर को ट्रीट करने के लिए, तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए बॉयलर फीड वाटर के लिए। दूसरी खास बात क्या है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। अगर हम बात करें बी नंबर, दैट इज अ प्रिंसिपल, क्या कहते हैं इसको, सिद्धांत, कि सिद्धांत इसका क्या है, क्या इसका सिद्धांत है भाई। इसका सिद्धांत ये है कि जितने भी, ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that all soluble salts are converted into insoluble precipitates। ऐसा तो इसका सिद्धांत क्या है भाई, इसका सिद्धांत इस बात पे बेस कर रहा है कि जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, जितने भी हार्डनेस क्रिएट करने वाले सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ट कर दिए जाएं किसमें भाई, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स में। तो ये इस पे खास बात आपको देखने को मिलेगा। तो करते क्या है, करते ये है कि जो कैलकुलेटेड अमाउंट में हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या करते हैं, यानी कि सी नंबर देखा जाए, इट मींस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा इज टू बी एडेड इन रॉ वाटर। अब चाहे आप रॉ वाटर लिखो चाहे हार्ड वाटर लिखो, बात एक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगली बात हम लोग क्या कहते हैं, अगली बात हम लोग ये कहते हैं कि भाई कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम और सोडा को हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर या रॉ वाटर में एड अप करते हैं। अब होगा क्या, इस एडिशन से आपको क्या देखने को मिलेगा, इस एडिशन से आपको ये देखने को मिलेगा
कि जितनी भी तरह की हार्डनेस जो सॉल्वेबल थी वो या तो अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी या तो अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगी। यानी कहने का ये मतलब है कि किसी भी तरह का आपका हार्डनेस हो या कोई भी डिसॉल्व सॉल्ट हो तो वो अपने किस में कन्वर्ट होगा भाई, दो चीजों में भाई। देखिए क्या होगा भाई, दो चीजों में होगा, डिसॉल्व सॉल्ट्स आर कन्वर्टेड into their respective converted into their respective carbonates or hydroxides। ये खास बात आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो जितने भी डिसॉल्व सॉल्ट्स होंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे अपने कार्बोनेट या फिर हाइड्रोक्साइड्स में। इसी बातों पर पूरा का पूरा बेस्ड है। हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आपको याद ना करना पड़ते हो। आपको याद नहीं करना है, बस ये तीन या चार पॉइंट्स याद रखने हैं और इन्हीं को आप मिला करके रनिंग मैटर में लिख लेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लाइम सोडा प्रोसेस हो जाएगा। अब लाइम सोडा प्रोसेस जो है ये पूरा का पूरा बेस्ड है किस पर, केमिकल रिएक्शंस पर, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन कब हो रहे हैं भाई, जब आप लाइम और सोडा को एडअप कर रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो आपको ये बताना पड़ता है जब कभी भी इस टॉपिक को लिखना होता है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और उन केमिकल रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे तब जाकर के पूरा का पूरा जो है आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि और बस इतना लिख देंगे तो टॉपिक कंप्लीट है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस भी लिखने पड़ेंगे। और केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखने पड़ेंगे, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो लाइम के साथ होगा और कुछ केमिकल रिएक्शंस सोडा के साथ होगा, तो उन दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे देखिए लिखने का तरीका कैसे होगा, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन विथ अगला जो हेडिंग होगा, सबसे पहले लाइन को ले लीजिए, रिएक्शन विथ लाइन। अब लाइन लिखा आपने तो लाइन का फार्मूला भी जाने आप, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, लाइन इज अ कैल्सियम हाइड्रोक्साइड ऐसा, तो लाइन को लिख दिया गया यहाँ पे। अब लाइन के साथ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं तो अब अलग अलग इसकी कैटेगरीज है कि कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, ये ढेर सारी बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ए नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, यानी टेम्पररी हार्डनेस का रिमूवल देखने को यहां पे मिलेगा। टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है ये पहले लिखिए, किसके कारण होता है भाई, कैल्सियम का बाइकार्बोनेट, देखिए ये है, और रिएक्शन किसके साथ करेगा, रिएक्शन कर रहा है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बाइकार्बोनेट है तो कैल्सियम अपने रिस्पेक्टिव किसमें जाएगा, देखिए किसमें जाएगा, कार्बोनेट या तो हाइड्रोक्साइड में, तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोनेट में। यानी करना कैसे होगा आपको, आपको लिखना होगा CaCO3 एंड प्लस आई थिंक ये 2CO3 होगा एंड प्लस हाई वाटर जो होगा 2H2O कुछ ऐसा, देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस होना चाहिए 2 and 2, 4 ओके, 3 2 6 क्लियर है, एंड 2 ऑक्सीजन ओके बैलेंस है। चलो अगला देखते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को देख लेते हैं। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात की जाएगी तो रिएक्शन हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको रिएक्शन लिखना अगर हमें होगा तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट
और जो रेस्ट अमाउंट होगा वो वाटर होगा। यानी कहने का मतलब है कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्लस रेस्ट क्या होगा आपका वाटर, रेस्ट अमाउंट टू बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। ऐसा इस तरह से आप बैलेंस में वो दिखाई दे रहा है, बैलेंस है दो हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन से और बाकी इसका टू बार में मल्टीप्लीकेशन है, तो आई थिंक टू बार में मल्टीप्लीकेशन है, टू अच्छा टू यहाँ भी है तो मुझे लग रहा है टू ऐसा होना चाहिए, अब हो जाना चाहिए सिक्स टू एट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये टू स्टेप प्रोसेस है, मतलब कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है अभी ये फर्दर रिएक्शन में जाएगा, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इट अगेन अंडरगोस केमिकल रिएक्शन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड विद द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट कन्वर्ट्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड लाइक दिस। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हमने क्या किया, हमने क्या किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड देन रेस्ट पोर्शन फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा ओके। इस तरीके से ये आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है एंड हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है और ये दोनों क्या है इनसॉल्वेबल है वाटर में, तो आसानी से हम क्या करते हैं टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, आप इसको नोट कर सकते हैं और आसानी से इसको देख सकते हैं। रिएक्शन लिखना बहुत ही आसान है, यहाँ पर रिएक्शन बहुत ही सिंपल वे में लिखे जा रहे हैं। तो ये तो टेम्पोररी हार्डनेस की बात है, टेम्पोररी हार्डनेस के बाद परमानेंट हार्डनेस को हम देख रहे हैं। तो अगर परमानेंट हार्डनेस की बात हम कर रहे हैं बी नंबर, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस की बात की जा रही है, तो परमानेंट हार्डनेस किन किन आयनों के कारण हो रहे हैं, किन किन सॉल्ट्स के कारण हो रहे हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ये हैं। पहले मैग्नीशियम से स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम को देखेंगे तो रिएक्शन देखिए मैग्नीशियम का क्लोराइड लीजिए ऐसा और रिएक्शन किसके साथ करिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है, बिल्कुल एक्सचेंज करिए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाइए कैल्शियम का क्लोराइड बनाइए, यानी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा ऐसा और साथ ही साथ क्या बनने वाला है CaCl2 ऐसा, ये इनसॉल्वेबल सॉल्ट है ऐसा, ये सॉल्वेबल है भाई, ये हार्डनेस को क्रिएट करने वाला है इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा मैग्नीशियम का सल्फेट भी देखिए, मैग्नीशियम का सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, बन जाएगा फिर से मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट कुछ ऐसा, देखिए यहां पे इस तरह के रिएक्शंस आप लिख सकते हैं। फिर से देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, ये देखिए मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स, लेकिन साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं, साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि भाई वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन रहे हैं और अभी कौन से, वो सॉल्ट जो हार्डनेस को क्रिएट करते हैं, तो ये भी साथ ही साथ बन जा रहे हैं ओके। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है यहाँ पे कि सर ने यहाँ पर भाई मैग्नीशियम के साथ लेकिन रिएक्शन लिखा कैल्शियम के साथ नहीं लिखा, अरे भाई कैल्शियम के साथ रिएक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप रिएक्शन लिख करके देखोगे तो जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, तो भाई ओवरऑल जब सेम है तो कैसा रिएक्शन, लिख के दिखा देंगे आपको, देख लीजिए भाई सपोज करिए आपने लिया कैल्शियम क्लोराइड ऐसा और साथ में भाई क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ऐसा, देखिए यहाँ पे अब रिएक्शन आप लिखोगे तो क्या बनेगा भाई, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्या बना, साथ ही साथ बना कैल्शियम क्लोराइड,
देखिए कोई फर्क है क्या? यहां देखिए जो रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट, तो इसीलिए हम लोग कैल्शियम सॉल्ट के साथ इसके रिएक्शंस को नहीं लिख रहे हैं परमानेंट हार्डनेस में, ओके? इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके? तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। अब केवल इतना ही नहीं है, ये क्या करता है, जो आपका लाइम है ये केवल इनके साथ ही रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये वॉटर में मौजूद और भी अगर कुछ आयंस हैं, कुछ डिजोल्व कंडीशन में पाए जाने वाली गैसेस हैं, कुछ मिनरल्स हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट है, उन सब के साथ भी रिएक्शन करता है। जब रिएक्शन करता है मतलब अमाउंट कंज्यूम होगा। रिएक्शन करने का मतलब क्या है? रिएक्शन करने का ये मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कुछ अमाउंट कंज्यूम किया जाएगा। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय ध्यान रखना होता है कि इसका रिएक्शन किन किन के साथ होता है, तो उन रिएक्शन को भी यहां लिखना होता है। जैसे देखिए सी नंबर, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम, इनके साथ। अब देख लेते हैं, सपोज करिए भाई आयरन का सॉल्ट है, फेरस सल्फेट है, दिस इज द फेरस सल्फेट एंड इट रिएक्ट विथ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन व्हाट विल हैपन? यू कैन गेट फेरस हाइड्रोक्साइड एंड प्लस कैल्शियम सल्फेट, तो हेयर यू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉरी फेरस हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। वन इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन सी हेयर, दैट इज अ कैल्शियम सल्फेट इज अगेन फॉर्म, दिस कैल्शियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन वॉटर एंड ऑल्सो क्रिएट हार्डनेस, ओके? तो द फर्स्ट रिएक्शन विथ आयरन सॉल्ट, आयरन सॉल्ट मीन्स फेरस सल्फेट, द सेकेंड रिएक्शन विथ एल्युमिनियम, तो देन एल्युमिनियम सल्फेट, हाउ कैन यू राइट? देन यू राइट एल्युमिनियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, Al2SO4 होल थ्राइस, देन Al2SO4 होल थ्राइस इज अ एल्युमिनियम सल्फेट एंड इट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, then okay, then aluminium sulfate ka reaction calcium hydroxide ke sath, to kya kya banna chahiye? Then aluminium form aluminium hydroxide and calcium sulfate, to aap kaise likh sakte hain? Aap likh sakte hain aluminium hydroxide like this form and calcium sulfate and कैल्शियम सल्फेट। अब इसको बैलेंस भी करना होगा। अगर इसको बैलेंस करने की बात देखी जाए तो यहाँ पर दो एल्युमिनियम है, इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाई टू एंड इफ इट मल्टीप्लाइड बाई टू देन हाइड्रोक्साइड आयंस विल 3 to the 6, देन 3 to the 6 देन लाइक दिस एंड थ्री कैल्शियम एटम इज हेयर, तो देन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके? आई थिंक सारी चीजें हो गई होंगी, हाँ लग रहा हो गया, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रिएक्शंस किसके साथ होगा? ये रिएक्शन होगा एल्युमिनियम सॉल्ट के साथ, ओके? तो ये तीन रिएक्शन देख लिया हम लोगों ने, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस एंड रिमूवल ऑफ सॉल्ट ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। नेक्स्ट बी नंबर, the removal of dissolved carbon dioxide and H2S. अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H2S का भी कुछ पोर्शन वाटर में डिसॉल्व कंडीशन में है तो वो भी क्या होगा? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बाहर हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखते हैं सर।
रिएक्शन लिख के देख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल गेट कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड रेस्ट पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. सो देन यू विल गेट हियर कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस प्लस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, इट मींस H2O. It is balance or not? 3 and 4, and here is a 2 and 2, 4. Okay, balanced. So this is a reaction with CO2, and then other reaction with S2S, and if S2S react with carbon hydroxide, then the product will be calcium sulfide CaS. And then again, rest part is converted into water molecule. So then what will be the product? Calcium sulfide. And then how many molecules of water? Here, 2 atoms of hydrogen here and 2 atoms of hydrogen here. It means 4 atoms of hydrogen. So then how will you write? It means 2H2O. I think this is a balanced reaction. 2H2O. And then oxygen is a 2 atoms, and here is also a 2 atom. So then it is also balanced. So is reactions mein bhi bahut hi aasani se aap kya kar rahe hain, bahut hi aasani se aap carbon dioxide ke sath aur H2S ke sath jo hai calcium hydroxide ke reactions ko likha ja sakta hai. To ye D number tha. Then E is a removal of dissolved minerals means like HCl, H2SO4, these are the minerals. So then what kind of reaction here? If you consider HCl, and HCl is reacted with a calcium hydroxide, then calcium chloride and rest part is converted into water. So then you will get here calcium chloride, and then that is a H2O. Calcium chloride, here is a 2 atom of Cl2, Cl, and it means chlorine. So then this is multiplied by 2, and 2 atom of hydrogen here and 2 atom of hydrogen is here. It means it is again multiplied by 2. So then this is a complete reaction with HCl, and again, and the another mineral salt is H2SO4. And if you want write the reaction with H2SO4, then the product will be calcium sulfate, and the rest portion is water, and here is also calcium sulfate, and rest portion converts into water like this. Okay, तो इस तरह से दो रिएक्शन यहां पर लिखे जा सकते हैं, वन रिएक्शन विद HCl एंड अनदर रिएक्शन विद H2SO4, एंड देन प्रोडक्ट इज अ वाटर डिजोल्व हार्डनेस क्रिएट आयंस लाइक कैल्सियम क्लोराइड एंड कैल्सियम सल्फेट्स. तो ये रिएक्शन को यहां पर देख सकते हैं. कुछ और भी रिएक्शन हमारे पास है जिनको हम देख सकते हैं यहां पर है. रिएक्शन किसके साथ आप देखने जा रहे हैं? रिएक्शन देखने जा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. अगर वाटर में डिसॉल्व कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट है तो उसके साथ रिएक्शन कैसा हो रहा है? तो अगर उसके साथ रिएक्शन में देखना होगा तो नीचे लिख ले रहे हैं यहां पे, दैट इज अ रिमूवल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. यस सर, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिमूवल देखने जा रहे हैं. It means sodium bicarbonate, and this sodium bicarbonate react with calcium hydroxide. Okay, then what will happen? The product will be calcium carbonate and sodium hydroxide, and rest portion is again converted into water. Okay, then you can write here calcium carbonate and then
सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन रेस्ट पोर्शन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर लाइक दिस। तो ये सारे रिएक्शंस आप यहां पे देख सकते हैं, ये सारे रिएक्शंस देयर इज सम मिस्टेक, वन मिस्टेक इज दैट इट इज नॉट अ हाइड्रोक्साइड, इट इज कन्वर्टेड इनटू देयर कार्बोनेट। तो देन हाउ मेनी कार्बन एटम इज हियर, वन इज हियर, वन इज हियर and two atom is here and it multiplied by 2 like this, and then sodium carbonate is a Na2CO3, okay? So then Na2CO3, I think it will balance, okay? So is tarah se reaction kiske sath likh sakte hain, is tarah se reaction likh sakte hain sodium bicarbonate ke sath। To ye hamare itne reactions hain, itne reaction ki sahayata se हम लाइम के रिएक्शंस को यहां पर लिखते हैं। अब लाइम के रिएक्शन में क्या खास बात देखने को मिल रही है, लाइम के रिएक्शन में ये देखने को मिल रहा है कि जितनी भी तरह की हार्डनेस है या तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है या तो अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ देखिए कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट बन रहा है, यहां पर भी देखिए कैल्शियम का सल्फेट बन रहा है, इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर देखिए कैल्शियम का क्लोराइड और कैल्शियम का सल्फेट बन रहा है। ये सभी भी क्या कर रहे हैं, हार्डनेस को क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ओके? यानी अब कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट को अगर वाटर से बाहर निकालना है तब किसका उपयोग कर रहे हैं, तब हम उपयोग करते हैं सोडा का, ओके? तो पर्पस समझिए, पर्पस ये हमारा है कि पहले लाइम ऐड किया गया है, लाइम ऐड करने के बाद जितने भी तरह की हार्डनेस था सब कन्वर्ट कर लिया गया है किसमें भाई, या तो क्लोराइड में या तो सल्फेट में। अब ऐड करने जा रहे हैं सोडा। अब सोडा क्या करेगा, जो भी जितने भी आपके क्लोराइड या सल्फेट होंगे उनको कन्वर्ट करेगा किसमें, उनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स में, ओके? तो सोडा के साथ देखते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन विथ लाइम की जगह पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ सोडा। रिएक्शन विथ लाइम की जगह पर हो जाएगा रिएक्शन विथ सोडा, एंड सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट ऐसा। किसके साथ रिएक्शन होना है, कैल्शियम क्लोराइड एंड दिस रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट देन कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaCl, तो देन प्रोडक्ट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ NaCl लाइक दिस, ओके? एंड देन सेकेंड रिएक्शन विथ कैल्शियम सल्फेट and calcium sulfate react with sodium carbonate, okay? Then product will be, then again product will be calcium carbonate, and then second product is a sodium sulfate, sodium sulfate, okay? So ye aasan tarika fir se aap likh sakte hain bahut hi aasani se, aur bahut hi simple sa reaction hai, exchange reactions ho rahe hain। कैल्शियम को कार्बोनेट के साथ लिखिए, सोडियम को क्लोराइड के साथ लिखिए, फिर कैल्शियम को कार्बोनेट के साथ लिखिए और सोडियम को सल्फेट के साथ। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बना सकते हैं। फिर से देखिए, ये वाटर इंसॉल्युबल है, वाटर इंसॉल्युबल है, आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, फिल्टर या सेटलिंग करके आप वाटर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इतने रिएक्शन आपको लिखने पड़ते हैं किसमें, इतने रिएक्शन आपको लिखने पड़ते हैं लाइम और सोडा में। तो लाइम और सोडा में अगर हम इतने रिएक्शंस लिखेंगे तो आसानी से ये पोर्शन भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, और इसको लिखने के बाद जो है हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे। एक्चुअली क्या कहता है न्यूमेरिकल पोर्शन में, क्या कहता है न्यूमेरिकल पोर्शन में, कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है, आपको क्या करेगा, एक कंपोजिशन देगा और कहेगा इस कंपोजिशन को क्या करना है, अगर वाटर में ये कंपोजिशन पाए जा रहे हैं तो अगर हमें इसे क्या करना है, सॉफ्ट वाटर में बदलना है, तो भाई लाइम कितना अमाउंट में उसके अंदर ऐड किया जाए, सोडा कितने अमाउंट में उसमें ऐड किया जाए, उन सभी बातों को क्या करना होगा,
कैलकुलेट करना होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें कैलकुलेशन देखने वाले हैं। कैलकुलेशन किसका देखने वाले हैं कि लाइम और सोडा का कितना अमाउंट जो होगा एड अप किया जाएगा। ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है। तो अगले टॉपिक को देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लाइम एंड सोडा लाइम और सोडा का कितना अमाउंट एड अप होना है, तो बहुत ही सिंपल है। अभी तक हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस का फार्मूला जान रहे हैं, उसी फार्मूले पर बेस्ड है। कैसे उस फार्मूले पर बेस्ड है भाई? उस फार्मूले को अगर हम देखें, जैसा देखिए ना सर, हम कैसे निकाला करते थे, देखिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस, यानी सब कुछ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस के फॉर्म में है। और ये क्या होता था? ये होता था मास या अमाउंट, जो भी आप लिखना चाहें, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस। अब इस बार मास ही निकालना है, अमाउंट ही निकालना है। और सब्सटेंस कहने का मतलब है, सपोज करिए लाइम का कैलकुलेशन हो रहा है, तो लाइम का कैलकुलेशन हो रहा है, इट मींस मास ऑफ द लाइम, ये तो सब्सटेंस की जगह हम क्या कर रहे हैं भाई, लाइम को लिख दे रहे हैं। देखिए, देन दिस इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम। ओके, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये फार्मूला होगा, देखिए ऐसे। अब हमें क्या करना रहता है, हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि कितना मास या कितना अमाउंट लाइन की आवश्यकता होगी। बस इसी फार्मूले को आप चेंज कर लीजिए। अब देखिए, अच्छा मास की जगह आपको कंफ्यूजन ना हो तो मास की जगह हम अमाउंट ही लिख दे रहे हैं ना। आपको कंफ्यूजन होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा अमाउंट पूछेगा ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ लाइम को अपने लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अमाउंट ऑफ द लाइम। अब अमाउंट आपको अगर निकालना है, अमाउंट ऑफ द लाइम निकालना है, तो दिस क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाई दिस वन। ओके, इट मींस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भाई कि जितने भी सॉल्ट हैं उन सभी की वैल्यू जो है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस के फॉर्म में होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। एंड देन दिस इज मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम। ओके, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम। ओके, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, आसान सी बात थी, कुछ नहीं किया गया है। अमाउंट ऑफ लाइन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, और उसको लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम इज मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहां पर हमने लिखा है ऐसा। अब देखिए थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इसकी और इसकी वैल्यू हमें पता रहती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को पहले लिख लेते हैं, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस है उसको बाद में लिखते हैं। तो कैसा हो जाएगा फार्मूला, यानी देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम, एंड दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कैल्शियम कार्बन इक्विवेलेंस देन मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस ऐसा। अब इस फार्मूले में इन दो क्वांटिटी की वैल्यू रख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम लिख लीजिए और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे करेंगे? अब क्या कर सकते हैं, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम निकालना मान लीजिए है आपको, तो निकाल के या देख लेते हैं भाई, यहां साइड में निकाल देते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम, तो कैसे निकालेंगे भाई, लाइम का फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा, कैल्शियम इज अ 40, इट इज एटॉमिक वेट एंड दिस इज 2 एंड 16 प्लस 1, ये हो गया कैसा, तो ये हो गया आपका 40 प्लस 17 एंड 34, और इसको एड अप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74 ऐसा, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट है लाइम का वो 74 है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है, ये जानते हम सभी हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो रहा है, 74 अपॉन 100 वैल्यू रख दिया हम लोगों ने। अब क्या बचा, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस, यानी जितनी भी सॉल्ट दिए गए होंगे उन सभी की वैल्यू को आपको किसमें रखना होगा, आपको रखना होगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में, यानी दिस इज मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस बस। अब अगर इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, दिस इज अमाउंट ऑफ लाइम, अमाउंट ऑफ द लाइम ऐसा। अब इस फार्मूले का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। देखिए कहीं कुछ याद भी नहीं करना पड़ा है, सिंपल एक फार्मूला जो हम लगातार इस्तेमाल कर रहे थे उसी फार्मूले से हमने क्या किया है, अमाउंट ऑफ लाइम का कैलकुलेशन देख लिया है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ सोडा का फार्मूला भी इसी तरह होगा, बस सोडा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडा आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो जब सोडा का हम लोग करेंगे कैलकुलेशन तो जहां पर मॉलिकुलर वेट ऑफ लाइम लिखते हैं उसी जगह पर मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडा लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।